तो जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार छोटा ट्रेडर में। तो दोस्तों, हर रोज की तरह आज हम निफ्टी 50 की कंप्लीट एनालिसिस वीडियो लेके आए हैं जो कि कल के लिए होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 2 मार्च 2023 को कल एक्सपायरी डे है और एक्सपायरी डे के लिए स्पेशल वीडियो होगी क्योंकि इसमें हम जीरो हीरो की असली वाली रेंज आप सभी को बताने वाले हैं। कंप्लीट वीडियो में बने रहिएगा। हम आप सभी को यहाँ पे चार्ट पे लेके आए हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। आप देख सकते हैं कि लगातार मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करता हूं और यहां पे एनालिसिस वीडियो जो आप सभी को प्रोवाइड कराता हूं वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज करता हूं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज करके। अदरवाइज लाइव मार्केट में मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूं। जितने लोग लाइव मार्केट में हमारे साथ जुड़ते हैं वो सभी जानते हैं और पहचानते भी हैं क्योंकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम जो होता है लाइव मार्केट में काफी हेल्पफुल होता है। दोस्तों, यहां पर 12 बजे के आसपास लाइव आते हैं हम आप सभी के साथ लाइव ट्रेडिंग करने के लिए और लाइव आप सभी को बताने के लिए। हालांकि मैं एक दिन पहले यहाँ पे जो मोमेंटम बताता हूँ उसी मोमेंटम में मार्केट चलती है। हालांकि अगर लाइव जुड़ना चाहते हैं आप सभी लोग लाइव जुड़ सकते हैं। उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, आप सभी को केवल बेल आइकन को प्रेस करना है, लेकिन उसके लिए सब्सक्राइब करना होगा चैनल को पहले और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो, क्योंकि नहीं अच्छी लगेगी फिर भी लाइक करेंगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे मिलता रहेगा और आपके लिए मैं ऐसी ऐसी वीडियोज, पावरफुल वीडियोज, लर्निंग वीडियोज, एजुकेशनल वीडियोज लाता रहूंगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अगर बेल आइकन को नहीं प्रेस करके आल पे नहीं क्लिक किए हैं तो नोटिफिकेशन आपको मिस हो जाएंगी और नोटिफिकेशन मिस होगी तो लाइव की बाद में नोटिफिकेशन आएगी तो उसका कोई मतलब रह नहीं जाएगा। चार्ट को थोड़ा सा हम बड़ा करके आप सभी को कुछ दिखाना चाहते हैं कि लाइव मार्केट में हमने किस प्रकार से आप सभी को कौन कौन सी रेंजेस प्रोवाइड कराई थी। यहाँ पे मार्केट जैसे ही आती है मैंने पुट साइड की एंट्री करवाई और पुट साइड में ये टारगेट यहाँ पे हिट होता हुआ दिखा है, आप लोगों ने देखा और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने पैसा डुबाया है क्योंकि ये एक फ्लैट रेंज थी। लेकिन मैंने इस फ्लैट रेंज में आप सभी को मना किया था कि ट्रेडिंग मत करना, भले ही कोई ट्रेड ना मिले, प्रॉफिट ना हो, लेकिन लॉस किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है पेशेंस और वो पेशेंस आपको यहाँ के अलावा मुझे लगता है हो सकता है कहीं मिले तो मिले, अदरवाइज मुझे लगता है कि आप सभी को पेशेंस नहीं। वहां पे एंट्री एग्जिट का मतलब नहीं होता है कि दिन भर में अगर आप 10 ट्रेड करें और 10 में 2-4 प्रॉफिट हो या ना हो, ब्रोकरेज निकल जाए प्रॉफिट से ज्यादा तो ब्रोकरेज चार्ज आपको दे देना पड़े, तो उसका मतलब उससे अच्छा है कि यहाँ पे आप सभी केवल वेट करें, पेशेंस करें, नहीं कुछ होगा तो मार्केट लर्न करा के जाएगी, लर्निंग करा के जाएगी अगर अर्निंग नहीं हो पाएगी किसी भी तरीके से तो। हालांकि 220 के बाद मैंने यहाँ पे आप सभी को कॉल साइड की भी एंट्री कराई थी और कॉल साइड में किस प्रकार से टारगेट हिट हुए आप सभी लोगों ने देखा है, उसी प्रकार से कल जीरो हीरो में भी टारगेट हिट होंगे। अगर नहीं हिट होते हैं तो आप सभी लोग यहाँ पर आके बताइएगा कि सर जीरो हीरो कॉल्स में लॉस हो गया, ये चीजें नहीं हुई, आप सभी लोग यहाँ पे बता सकते हैं। देखिए ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर मार्केट चली है, हमने ट्रेंड लाइन भी शायद लगा के रखी थी, इस ट्रेंड लाइन को हटाते हैं और यहाँ पे चीजें हम आप सभी को बताना चाहते हैं। थोड़ा सा चार्ट को छोटा करते हैं, जो रेंजेस हमने बताई थी उन रेंजेस में मार्केट चली है। सबसे पहले मैं सारे लेवल्स यहाँ से रिमूव करता हूँ कुछ इस प्रकार से। आप चलिए कुछ फ्रेश एंट्री बताते हैं, उसके पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे आप सभी को बताना चाहते हैं कि जहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है उसी के आसपास में मुझे पिछले साइड में पिछले एक दो दिनों में मुझे क्या दिखा है, मुझे दिखा है कि यहाँ से एक बार सप्लाई आई है और बढ़िया सप्लाई आई है। सप्लाई इतनी आई कि 17,480 के आसपास से फिर निफ्टी 50 जो नीचे गई है वो 17,200 मतलब 200-250 पॉइंट्स की गिरावट इस पॉइंट पे देखने को मिली है जहाँ पे मार्केट है इस समय। इसको मैं लेता हूँ रेक्टेंगल टूल आप सभी के सामने, यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल टूल लेने के बाद में सप्लाई रे ये रहा, इस वाली कैंडल को हमने मार्क किया और यहाँ तक इंक्रीज किया इसको और जो है बढ़ाया। हालांकि इसी पॉइंट के आसपास में मार्केट ने क्लोजिंग भी दी है जहाँ पर ये अभी ट्रेड कर रही है, ठीक है, जहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग हुई है ये सप्लाई एरिया के आसपास में क्लोजिंग दी है। इतना देखो यहाँ पे 17,480 का ये जो पॉइंट है इसके ऊपर अगर मार्केट गैप अप करा देती है या फिर गैप अप चली जाती है तो अलग की बात है, अदरवाइज जब तक मार्केट इसके नीचे रहती है तब तक मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड ही रहेगा, इस चीज को समझ लीजिए। लेकिन इन केस 17,460 के ऊपर हमें मार्केट दिखती है तो हम कॉल साइड में एंट्री करेंगे। कॉल साइड में एंट्री करने के साथ साथ हम टारगेट कौन से लेंगे, सबसे पहला टारगेट लेंगे 17,520 का एंड सेकंड टारगेट लेंगे फिर सॉरी ये 15,000 लिख दिया 17,000 होगा 17,520 एंड 17,650 मान लो 50 मान लो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करके आप सभी को दिखाना चाहता हूँ ताकि आप सभी लोग लेवल समझ लें ठीक तरीके से। हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ पे ले ली, ओके 17,520 ये वाला लेवल है, 530 कर लेते, ओके तो थोड़ा सा छोटा करते हैं एंड देन उसके बाद में फिर मुझे लेवल मिलेगा 600 का,
600, और इसके बाद में फिर जो लेवल मुझे मिलेगा 640 50, 10-20-30 पॉइंट ऊपर जा सकती है, अदरवाइज फिर से यहाँ से, हाँ 654 50 पॉइंट का ऊपर का ये मुझे दिख रहा है, 660 का लेवल। ओके, ये तीन टारगेट अपसाइड में आपको देखने को मिलेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में। नोट कर लीजिएगा इन सारी चीज़ों को, अगर कोई दिक्कत आती है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, अपना सुझाव भी ड्रॉप कर सकते हैं। इस रेंज में 10-20-30 पॉइंट की रेंज में ट्रेड मत कीजिएगा, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन रहती है या फिर 10-15 मिनट 30 मिनट यहाँ पे होल्ड रहती है, तो यहाँ पे हम कॉल साइड की एंट्री कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट होगा 17,530 का, सेकंड टारगेट होगा 17,600 का, एंड थर्ड टारगेट होगा 17,660 का। देखिए छोटे छोटे टारगेट्स लेके चलेंगे तो बड़े प्रॉफिट भी मुझे देखने को मिलेंगे, लेकिन एकदम से अगर हम अपर साइड में बैठ जाएंगे तो हम ऑप्शन बायर हैं, हमारा प्रीमियम डिके हुआ करता है। और मान के चलो अगर एंड ऑफ द डे यहाँ पर चली गई मार्केट तो प्रीमियम अगर 3 बजे गया तो प्रीमियम तो यहाँ पे डिके ही हो जाएगा। जो प्रॉफिट यहाँ पे आपको मिल रहा होगा 10-11-12 बजे, वो प्रॉफिट यहाँ पे आपको मिलेगा 3 बजे के आसपास, तो क्यों ना हम यहीं पे निकल जाएं। तो अगर आपको प्रॉफिट मिलता है, टारगेट फर्स्ट टारगेट हिट होता है, तो अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप रिड्यूस कर सकते हैं 50% क्वांटिटी, 50% क्वांटिटी के साथ आप रिस्क ले सकते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग की मदद से आप जो है रुक सकते हैं, अदरवाइज आप सिंगल लॉट से करते हैं तो फर्स्ट टारगेट पे निकल जाओ, क्या दिक्कत है। ठीक है, इस प्रकार से अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं, मार्केट अगर भारी गैप अप करा देती है 17,530 के लेवल के आसपास रहती है। देखिए यहाँ पे चीज़ों को समझ लीजिएगा, धीरे धीरे 17,530 के आसपास में ओपनिंग करा देती है, तो हमें ध्यान देना यह है कि अगर इसके नीचे रहती है, सस्टेन रहती है, तो यहाँ से सेलिंग आएगी, यहाँ से सेलिंग आएगी, मतलब यहाँ से हम पुट साइड की एंट्री ले सकते हैं, बशर्ते वेट करना है। वेट करने के साथ साथ 20 पॉइंट ऊपर का हम एसएल भी लगाएंगे अगर पुट साइड में एंट्री करेंगे तो, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर जाती है और एसएल हिट करती है तो हम कॉल साइड में एंट्री करेंगे। एसएल रिकवरी के बाद में फिर यहाँ पे 17,600 का टारगेट भी मुझे मिल जाएगा, 60-70 पॉइंट का, और प्रॉफिट भी मुझे मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ऊपर के टारगेट्स की तरफ हम बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट कल को फ्लैट ओपनिंग कराती है या फिर गैप डाउन ओपनिंग कराती है, चीज़ों को समझ लीजिएगा, तो 1 पॉइंट आपको मिलेगा यहाँ पे 17,400 का, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया इस चीज़ को 17,400 का लेवल, ये वाला, इसको मैंने मार्क किया रेड 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 मार्क कर दिया। ओके, मार्केट 17,400 के ऊपर कभी भी रहती है, 17,400 के ऊपर रहती है तो आपको ये जो है एक रेंज देखने को मिलेगी 50-60 पॉइंट की, जो रेंज ये हमारी बन रही है 17,470 का। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैं दोबारा से लिखता हूँ, 17,470 ये एक रेंज बना सकती है हमारी, इस रेंज में मार्केट रह सकती है, ऊपर जाएगी लेवल बता दिया, अगर डाउन आएगी तो आपको आज का जो डे लो है वो मिलेगा, मतलब 50 पॉइंट नीचे का टारगेट मुझे देखने को मिल सकता है 17,350 का। ठीक है, एंड देन इसके बाद में फिर जो मुझे देखने को मिलेगा वो मिलेगा 17,300 का। ठीक है, ये दो लेवल डाउन साइड में मिलेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा कल के ट्रेडिंग सेशन में, आप लिख लीजिएगा इस चीज़ को, अगर कुछ होता है तो लाइव मार्केट में मैं आप सभी को बताऊंगा ये चीज़। ओके, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, एक ही मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिएगा, क्या कर रहे हो आप सभी लोग, यहाँ पे पेड ग्रुप मत ज्वाइन कीजिएगा, मेरा कोई पेड प्रीमियम टेलीग्राम चैनल नहीं है, इसलिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि मेरे नाम से अगर आप सभी से कोई पैसे मांगता है तो पैसे कतई मत देना मेरे दोस्त, क्योंकि मैं यहाँ पे आप सभी का प्यार चाहता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ, पैसे मैं मार्केट से कमा लेता हूँ आप सभी के साथ। आप सभी लोगों ने देखा लाइव मार्केट में किस प्रकार से मैं पेशेंस को बरकरार रखने के साथ साथ प्रॉफिट करता हूँ, और आप सभी को भी अपनी ट्रेड्स मैं बताता हूँ कि मैंने किस ट्रेड में एंट्री करी है या फिर नहीं करी है, पेशेंस कहाँ तक रखना है, क्या प्रॉफिट होंगे, क्या लॉसेज होंगे, ये सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ। तो अगर ये कुछ आपको अच्छा लगा हो यहाँ पे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करोगे, सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा जो शेयर मार्केट से रिलेटेड हैं या फिर जो इच्छुक हैं शेयर मार्केट सीखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बैंक निफ्टी की मैंने वीडियो डाल के दे दी है ऑलरेडी, आई होप आप लोगों ने देख भी ली होगी, नहीं देखी है तो वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको दे दूंगा, देख लीजिएगा। अदरवाइज कल लाइव सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू।